कैसे हो आप सब दोस्तों? जिस तरीके से पठान को लेके काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था, मैं समझता हूँ कि फिल्म बकवास होगी, मैं समझता हूँ इसका नाम सही नहीं है, ऐसे सब। तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, देखो ये प्रोपेगेंडा किस तरीके से यूज किया जाता है बॉलीवुड के अगेंस्ट। ये होता क्या है कि जैसे कि आप जितना जबरदस्त बुरा बॉलीवुड को बोलोगे तो आपका चैनल उस तरीके से काम करेगा। देखो इसमें बहुत जबरदस्त माइंड लगाया जाता है हेट फैलाने के लिए बॉलीवुड के अगेंस्ट। तो यही लोग क्या करते हैं कि जब कोई बॉलीवुड की ऐसी भी कोई भी फिल्म आती है तो उसके बारे में कुछ दो तीन पॉइंट ऐसा पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं कि देखो ये चीज कितनी खराब दिखाई गई, ये चीज गलत दिखाई गई, ये चीज वो हो गया। तो उसी तरीके से पठान का जब कोई चीज नहीं मिला तो उनके पास दो ऑप्शंस मिले। दो ऑप्शंस में पहला ये कि पठान नाम जो है वो सूट नहीं कर रहा है, दूसरा शाहरुख खान की एज हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, डुप्लीकेट ने किया है, ये फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर हो जाएगी, ये फिल्म शाहरुख खान की कैरियर की सबसे खराब फिल्मों में साबित होगी। मतलब तमाम लोगों ने कहा शाहरुख खान को अब घर बैठ जाना चाहिए। पर शाहरुख खान की पठान जो है इस हिसाब से मतलब माहौल बना दिया है ना कि लोगों के अंदर क्रेजनेस जबरदस्त हो गई है। देखो पठान में एक्शन जो भी दिखाया गया है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग दिखाया गया है। शाहरुख खान ने जितना भी एक्शन इस टीजर में छोटा मोटा जो भी दिखाया गया है उसको बखूबी तरीके से निभाया है और हर एक सीन फ्रेम बाय फ्रेम में टीजर के शाहरुख खान जबरदस्त लगे हैं। एक तो उनका हल्की सी डायलॉग बोलना, उनका हंसना ही ना एक जबरदस्त माहौल बना देता है। देखो ये होता है स्टारडम एक्टर का, और शाहरुख खान को तो इस चीज को पूरी तरीके से पता है कि उनकी बादशाहत ऐसी थोड़ी बनी है। तो शाहरुख खान के साथ साथ इसमें जो थोड़ा बहुत टीजर में दीपिका का दिखाया है उनका ग्लैमर्स जबरदस्त है, जॉन अब्राहम भी ठीक ठाक है, बट पूरे टीजर में छाए तो अपने पठान शाहरुख खान। तो इस मूवी के जो एक्शन सीन्स हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो सिद्धार्थ आनंद है। सिद्धार्थ आनंद को जैसा कि हम लोगों ने बैंग बैंग में एक जबरदस्त एक्शन ऋतिक रोशन की फिल्म में देख चुके हैं, उसके बाद वॉर वॉर में देखने को मिला है, वो एक्शन के जबरदस्त मास्टर आदमी है। तो उससे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं इससे भी धमाका एक्शन होने वाला है फिल्म में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये उम्मीद सिद्धार्थ आनंद से हम लोग रख सकते हैं। फिलहाल इस फिल्म के साथ साथ शाहरुख खान ने एक चीज ये बता दी कि पठान जो उनकी पहली और आखिरी फिल्म नहीं है, उनके पास बैक टू बैक कई फिल्में हैं। जैसे कि डंकी की भी शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है इस वक्त सऊदी अरबिया में, जहां के उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की है। उसके बाद जवान का भी टीजर छलकी से झलक शाहरुख खान की देखने को मिली है जो कि आग लगा दी थी। उनका वो छोटा सा मुस्कुराना भी लोगों को काफी ज्यादा घायल कर गया। लेकिन कुछ हेटर्सों को ये समझ में नहीं आता कि अब तो अच्छा बोल दो यार, अब तो बोल दो, कब बोलोगे? मतलब घुसना है उसमें, खराब बोलना है बोलना है, मतलब तारीफ कर दोगे तुम छोटे थोड़ी हो जाओगे यार। लेकिन चूतियों लोगों को समझ ही नहीं आता। उसमें कुछ बेशरम ऐसे हैं कि जब गलत बोल देते हैं और फिल्म उससे अच्छा बिजनेस कर जाती है तो उसके बाद भी ये नहीं कहते कि हाँ चलो मेरी गलती थी, मुझसे हो गई, मैंने गलत बोल दिया, लेकिन फिल्म ऐसा उसके बावजूद नहीं अपना एटीट्यूड में रहते हैं। अच्छा अब जिसको देखो यूट्यूब पे आता है वो रिव्यू देने वाला बन जाता है। देखो मैं पहली बार बताऊँ, मैं रिव्यू देने वाला नहीं, मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन देता हूं, मैं अपनी बारे में बताता हूं। लेकिन यहां मैं देखता हूं छोटा छोटा चैनल जो खोल रहा है वो रिव्यू दे रहा है और रिव्यू पे गजब थंबनेल लगाते हैं, कुचल दिया, बेकार है, डिजास्टर है, फाड़ दिया, ये कर दिया। साउथ के बारे में तो ये आता है, बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड खत्म है, फिनिश हो गया, बॉलीवुड नंगा, ये पता नहीं क्या क्या थंबनेल लोग लगा देते हैं। इतनी निगेटिविटी क्यों आ गई यार बॉलीवुड के लिए लेकर, क्यों? कोई चीज जो हम देखते हैं कोई जरूरी नहीं कि वही चीज सही है जो दिख रहा है, हम जो देखें वो चीज सही कोई जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले को सुन भी तो लिया करो यार, सामने वाला क्या बोल रहा है, बस अपने रेले पड़े हो। दोस्तों आप ये बताओ, आप पठान देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो क्या रीजन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और टीजर आपको कैसा लगा मुझे ये जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।